अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक कंपैरिजन और आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बड़ी मज़े की एप्लीकेशन लेके आया हूँ। ख़ासकर ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश सही से नहीं आती, जिनको इंग्लिश का तर्जमा सही तरह नहीं करना आता, तो जस्ट एक क्लिक से किसी भी एक स्टेटमेंट का तर्जमा चेक कर सकते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है। तो चाहे आप किसी के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं या आपने कोई भी गूगल का पेज ओपन किया हुआ है, तो आप कहीं से भी जस्ट वन क्लिक से उसका तर्जमा चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड किस तरह करनी है। तो आपने ये स्नैप ट्रांसजोंसी है एप्लीकेशन, ये आपने ये नीचे जो कंपनी का नाम लिखा आ रहा है, आपने इसी कंपनी की ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, क्योंकि यही कंपनी की ये एप्लीकेशन सही काम करती है। तो इसका जो इंस्टॉल करने का तरीका है वो ये है कि आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है इनेबल एक्सेसिबिलिटी, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये स्नैप ट्रांस पे क्लिक करना है, आपने इसको जो ऑफ़ है इसको ऑन कर देना है। ये देखें, ये इस पर ये मैंने इसको ऑन कर दिया तो अब ये एप्लीकेशन वर्क करेगी। तो ये देखें, इसको मैंने ये स्नैप ट्रांस जोन सा है, इसको मैंने ऑन किया था ये वाले को, ठीक है। तो इसको ये ऑन कर दिया, अब ये एप्लीकेशन हमारी काम करेगी चाहे ये व्हाट्सएप में ही क्यों ना हो। तो इसको ये देखें, मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये आप इसको किसी भी अपनी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसका तरीका कार ये है कि ये देखें, मैंने ऑन पे क्लिक किया। दूसरा ये है कि ये योर फ्रेंड की लैंग्वेज, यानी कि हम जिससे कि हम तर्जमा करना, जिससे हम लैंग्वेज का हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, वो लैंग्वेज कौन सी है हमने यहाँ से वो सेलेक्ट करनी है। फर्ज़ करें मैं वो इंग्लिश है तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली मैंने ये। तो जो मैंने मेरी अपनी लैंग्वेज है वो कौन सी है, उसके लिए मैंने ये योर लैंग्वेज पे क्लिक किया जहाँ उर्दू लिखा आ रहा है। तो यहाँ से हम किसी भी लैंग्वेज में उस दोस्त की लैंग्वेज का हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैंने ये उर्दू से इंग्लिश को सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ से मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। फर्ज़ करें मुझे किसी का मैसेज आया, उसको मैं चेक करना है कि उसका मैसेज क्या है। तो देखें दोस्तों, ये मैंने अब अपना व्हाट्सएप ओपन किया है। तो मैं फ़र्ज़ करें मैं किसी के साथ भी चैटिंग कर रहा हूँ इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, जो मैंने आपकी सेटिंग पहले बताई है कि आप किसी को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैंने अब इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो ये देखें, ये नीचे राइट कॉर्नर पे ये एक कर्सर सा शो हो रहा है, ये वाला नीचे, ये देखें। तो आपने इस कर्सर को आपने लॉन्ग प्रेस करना है तो ये बाहर निकल आएगा। ये उस एप्लीकेशन का ही है, ये देखें, इसमें मैंने क्लिक किया, ये आ गया बाहर। अब ये देखें, मैंने इसको कहीं भी जो मैंने ट्रांसलेट करना है मैं उसके ऊपर लाकर इसको स्किप करता हूँ, तो ये देखें, ये लिखा आ रहा है तुम कैसी हो, ये देखें आ गया। अगर मैं इसको आई एम फाइन में छोड़ता हूँ लाके, तो ये कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ये देखें। ये जस्ट ये मेरा वर्किंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इस टाइम आपको वीडियो बनाने के लिए ये स्क्रीन कैम ओपन किया हुआ है, तो इसकी वजह से ये मेरा यहाँ पर ट्रांसलेट शो नहीं कर रहा। जब मैं इसको मैं स्किप करूंगा तो ये ट्रांसलेट शो करेगा। आपने जैसे इसको सिंपली ला के यहाँ पे ड्रैग कर देना है तो ये आपको उसका तर्जमा बताएगा कि आपने यहाँ पे छोड़ देंगे तो इसको यहाँ पे उर्दू में लिखा आ जाएगा कि ये इसका ट्रांसलेट ये है। तो ये दोस्तों बड़ी मज़े की एप्लीकेशन है, आप किसी की भी इंग्लिश को आप यहाँ से उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जो मेरी इसके बाद जो वीडियो है वो मैं उस पर बना रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से इस एप्लीकेशन के ज़रिए तो आप किसी की इंग्लिश का उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती और आपने उस बंदे को तो दूसरे को गोरे को तो इंग्लिश ही आती है, तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इंग्लिश उर्दू में बोलूं और वो जो मेरे अल्फाज हैं वो इंग्लिश में जाएँ, तो उसके लिए एक बड़ी मज़े की एप्लीकेशन है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। और उस एप्लीकेशन का नाम है ये, यहाँ पे मैंने अपने इंस्टॉल की हुई थी लेकिन मैंने कुछ वजह से मैंने वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी है। तो दोस्तों वो एप्लीकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, यानी कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप किसी की भी इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बताऊँगा कि आपने बोलना उर्दू में है लेकिन आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली वो उसको इंग्लिश में बना देगा, यानी आप लिखते हैं कि आपका क्या हाल है तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली वहाँ पर लिख देगा हाउ आर यू। तो आप किसी को भी, यानी कि किसी की आप इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑटोमेटिकली आप किसी को सेंड कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी बारे में होगी और उसमें मैं बताऊँगा आपको कि ये किस तरह आप ये चैटिंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें कि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बासानी पहुँच रहे हैं।